सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये रही वो इनोवा क्रिस्टा जिसके अंदर इंटीरियर पूरी तरह से इसका कस्टमाइज और इसका मॉडिफाई किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम यही देखने वाले हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मॉडिफाई करी गई हैं और इसकी सीटें वगैरह जो जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं मैं आपकी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसकी इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और आप इसके देख सकते हैं इंटीरियर। और ये जो दोनों आगे के सीट लगी हुई हैं इनके पीछे एक बॉक्स तरह मतलब बंद कर दिया गया है। जो पीछे पैसेंजर वाला केबिन है उसको पूरे तरह से अलग कर दिया गया है। और ये इसका कंसोल है, ये तो कंपनी फिटेड है, ऑटोमेटिक गाड़ी में दिखा दे रहा हूँ। और ये कंसोल ये इतना अलग लगाया गया है, इसका आर्मरेस्ट की तरह इसमें लगा हुआ है और इसी से पावर सप्लाई पीछे गई हुई है। ये रहे इसके दरवाजे, दरवाजों में भी इसके वुडन फिनिश दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और ये रही इसकी जो पीछे केबिन है उसमें जो पावर सप्लाई ऑन होती है, ये रहा इसका स्विच, आप ये देख सकते हैं। और इसके नीचे UPS वगैरह लगा हुआ है जिससे मतलब कि DC टू AC अल्टरनेट करंट जो कि इसमें TV लगी हुई है वो अल्टरनेट करंट से चलती है तो उसमें पावर सप्लाई दे सके। ये दोस्तों ये रहा इसका ऐसा कुछ फिनिश जो कि वुडन फिनिश है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और एकदम 5-स्टार होटल जैसी फीलिंग, जैसे कि आप किसी लग्जरी कार में बैठे हो, काफ़ी महंगी कार में बैठे हो या फिर कहीं प्लेन में बैठे हो ऐसा आपको लगेगा इसमें। जैसे ये आप देख सकते हैं एक नीचे सेंटर में एक फ्रिज लगी हुई है जो कि काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसमें काफ़ी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, बोतल वगैरह, पानी वगैरह। और ये आप स्टीरियो एक लगा हुआ है और एक सामने TV लगी और 2 AC के इसमें विंग्स लगे हुए हैं और AC कंट्रोल्स भी इसी पीछे बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं एक यहाँ से शीशा लगा हुआ है जो कि आप ड्राइवर से बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई काम कर सकते हैं इधर से ही। और ये रही इनकी दोनों सीटें और ये इसमें बहुत सारे एकदम ऑटोमेटिक सीटें हैं, मोटराइज हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ इसमें फोल्डिंग हो जाएगी, हर चीज़ एडजस्टेबल है, हर तरह से पूरी ही मोटराइज ये सीटें इसमें लगाई गई हैं। जो कंपनी की होती वो हटा करके ये वाली इसमें लगाई गई। ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ये सीटें एकदम पूरी तरह से मतलब लेट जाती है, आप एकदम लेट करके ही इसमें सफ़र कर सकते हैं ऐसा इसमें बनाया गया है। और आप इसका ऊपर आप देख सकते हैं छत में भी रूफ में भी इस तरह से इसमें लाइटें लगी हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ रही है। देखो काफ़ी अच्छा इसमें इंटीरियर दिया गया है। हम दूसरी साइड से इसमें देख लेते हैं कि कैसा लुक इसमें देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई। इस दरवाजे में भी इसी तरह की वुडन फिनिश दिया गया है जो कि काफ़ी इसमें चमकीली और चमक मार रही है। ये इसकी TV है, आप देख सकते हैं इसमें बीचों बीच एकदम लगाया गया जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इसमें एक मैट कालीन टाइप की इसमें लगाई गई है और ये प्लास्टिक का है और इसमें ब्लू कलर की LEDs लगाई गई हैं जो कि काफ़ी अच्छा से फील देता है। और ये गाड़ी केवल 4 सीटर ही है क्योंकि आगे 2 सीटर हो गई और पीछे 2, मतलब इसमें केवल 4 लोग ही जा सकते हैं, एक ड्राइवर बाकी 3 पैसेंजर। और ये इसमें जो लाइट लगी हुई है, ये रिमोट वगैरह जो हमें TV और सब कंट्रोल करने के लिए, जो लाइट भी काफ़ी अच्छा फिनिशिंग इसमें दे रही है। और ये पीछे एक बोतल होल्डर इसमें दिया गया है, बोतल रख सकते हैं आप, और मोबाइल को भी चार्जिंग वाला सॉकेट दिया गया है। और इस तरह से इसमें कुछ इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा है। और AC वगैरह भी आप इनोवा की जानते ही हैं कितनी बढ़िया काम करती है। और उसके बूट में भी इसमें 2 स्पीकर्स लगे गए जो कि पीछे, जो इसके पीछे स्पीकर्स लगे गए वो केवल पीछे वाले केबिन में ही चलेंगे और जो आगे के लगे हुए वो केवल ड्राइवर ही सुन सकता है और को ड्राइवर सुन सकते हैं, ठीक है। और इसका बैक साइड से आप देख लीजिए ऐसा इसका इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आपको जैसे इस कार से अगर कहीं टूर पे भी जाना तो बिल्कुल भी थकावट वगैरह या फिर कुछ भी इसमें नहीं मालूम पड़ेगा आपको कि आप इसमें एक कार से घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इसमें इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि लग ही नहीं रहा है कि कंपनी फिटेड है या फिर ये बाहर से लगवाया गया है। और हम इसके आगे साइड में चलते हैं को ड्राइवर सीट पे कि इसमें देखते हैं कौन कौन से इसमें किस तरह करो। इसमें भी इसी तरह फिनिशिंग दी गई है वुडन साइड। और इसके इंटीरियर में तो ज़्यादा कुछ भी वैसे इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, बाकी सब वही कंपनी फिटेड जैसा है, बस इस जगह से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चालू हो गया। और ये हमारा कुछ मोबाइल चार्जर, USB पोर्ट और AUX केबल वाला इसमें कनेक्टर दिया गया है। ये इसकी मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ ताकि बैटरी इसकी ना डिस्चार्ज हो जाए। और इधर से इस तरह के इसमें, चलो एयरबैग ये तो सब कंपनी फिटेड है। और मैं इसका जो चाबी ऑन करने वाला जो पीछे से इसका कंट्रोल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि पीछे से पावर सप्लाई जाती है, किस तरह की इसमें चाबी और की दी गई है। तो ये ऐसा इसमें की है
बस ये प्लास्टिक की है, केवल एक नॉब की तरीके अंदर एक इसके जस्ट स्विच लगा हुआ है, जैसे ही प्रेस होता है वो पीछे की जितनी लाइटें वगैरह है वो सब चालू हो जाती है। अगर आप पीछे कोई नहीं बैठा है तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। और ये UPS लगा हुआ है, इससे TV जो सब इसमें कंट्रोल्स वगैरह लगे हुए हैं वो सब चालू हो जाएंगी। बाकी AC के कंट्रोल्स आगे भी हैं और पीछे भी हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इसी तरह की मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।